नमस्ते। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा से एक बहुत ही अच्छा नाश्ता। पहले मैं अंडा तोड़ लूँगी। चार अंडा ली हूँ मैं। अब मैं इसमें डालूँगी एक बारीक कटी हुई प्याज, एक छोटी बारीक कटी हुई टमाटर, थोड़ी सी गाजर बारीक काट के डाली हूँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली हूँ, सब बारीक काट काट के डाली हूँ और धनिया पत्ता। इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच डाल रही हूँ, और थोड़ी सी चिली पाउडर, इसके जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमें ब्रेड लेना है, तो ब्रेड को मैं इस तरह साइड से ब्राउन वाला हिस्सा काट ली हूँ। अब मैं पैन गैस पे रखी हूँ गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच तेल। तेल को फैला दूंगी थोड़ा सा। अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूंगी और अंडे के घोल में डिप करके इसको मैं आराम से डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और अंडा का घोल डाल दूंगी। इसको मीडियम आंच पे पकाना है। अब मैं इसको पलट लूंगी। दूसरी तरफ भी अच्छे से पकने दूंगी। अब मैं फिर से इसको पलट के चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा और पकने देती हूँ। ये पक चुका है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह मैं दूसरा भी डिप करके, अंडे के घोल में डिप करके हुए डालना है इसको, और ऊपर से बड़े चम्मच से फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दूँगी। अब इसको फिर से पलट लेंगे। अब हमारा दूसरा भी बन चुका है, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती। इस तरह हमारा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बन के तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑरेगानो डाल दूंगी। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब ये रेडी है। हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।